तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। लड़ना बहुत जरूरी है, पर जीवन में ये पता होना चाहिए किससे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। तुम्हारे पास आईफोन 11 है और तुम वापस कर दो कि यार आईफोन 14 प्रो दिला दो, पूछेंगे क्या काम है। तुमने कहा उसमें चेहरा देख बड़ा गोरा दिखाई पड़ता है, तो कहेंगे कि यार फालतू क्यों पैसा लुटा रहे हो, तुम्हारा काम चल रहा है ना। जब तुम्हारा किस चीजों से काम चले, तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मत लो। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में। दुनिया को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक चैतन्य और एक जड़। चैतन्य, चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और दूसरा जड़। जैसे कुर्सी है ना, ये जड़ है और तुम कॉन्शियस हो। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने आ रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। अब इस चैतन्य को आनंद जब भी आएगा तो चैतन्य से ही आएगा, जड़ से कभी नहीं आएगा। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर देखो, रील बनाने वाले देखो, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी। इसके चक्कर में तुम मत रहो। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन को पाप माना जाता है, वैश्यावृत्ति को, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। विवाह में चेतना भी साथ में आती है, वो पत्नी। इसीलिए वैश्यावृत्ति को पाप माना जाता है, क्योंकि जड़ को तुम कभी भोग ही नहीं सकते। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। तो विद्यार्थी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, तुम जितनी चीजों की जरूरत हो बस उतना ही लो। अगर तुम्हारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंदर में है तो तुम साइकिल से आओ यार। 3 क्या 5 किलोमीटर भी है तो भी तुम साइकिल से आओ, चाहे तुम जिसके भी लड़के हो। तो 10 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हो जाएगी कि नहीं, तुम्हें अलग से एक्सरसाइज करने जाने की जरूरत ही नहीं है। और 3 किलोमीटर में है तो पैदल आओ, किताब उताब लिए पैदल लेके चले आ रहे हैं, 6 किलोमीटर की वॉक हो गई, अलग से जिम वम जाने की जरूरत ही नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है, पर जीवन में यह पता होना चाहिए किससे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। ये जिसको नहीं पता वो बहुत परेशान है। तुम गांवों में देखो, एक एक बिस्सा जमीन के लिए लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर डाला। एक बिस्सा जमीन के लिए मुकदमा लड़े, 15 बीघा बिक गया। देखो अपनी तरफ, गांव में क्या हाल है। लड़ना है लाइफ में, ये लड़ाई ही तो चल रही तुम्हारी, आईएएस की तैयारी लड़ाई है, ये लड़ाई सही है, सही लड़ रहे हो। घर में अंबेडकर की फोटो लगा लो, गांधी की लगा लो, भगत सिंह लगा लो, जब निराश हो तो एक बार इन लोगों को देख लिया करो, दो ऊर्जा से भर जाओगे एकदम से। विवेकानंद की लगा लो, इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी। जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई, जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा दोस्त दो सब्जेक्ट में फेल हो गया तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़ने के लिए। जब महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे, तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। किसने पार्लियामेंट से कहा पैसा दे दो, पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि नहीं देंगे। अब सुनना इसने क्या किया, पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे, और जब पार्लियामेंट ने मना किया पैसा नहीं देंगे, इसने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। देखो इस जाहिल आदमी को, किसी के सितारे खराब नहीं होते, दिमाग खराब होता है।
जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हैं? ये कह रही है सब आपके अंदर आता कहां से है? सही बात है, ये कहीं किताब में तो लिखा नहीं है, ध्यान से आता है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो, 2 साल मेहनत करो, चपक कर बैठ कर दुनिया से कटाव हो जाओ। माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, और पढ़ने में डिस्टर्ब करो उसको घबरे में बुला के खूब पीटो पहले। हाँ, कोई बीमार है तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हें उसकी जरूरत है, चले आओ उसकी मदद कर दो, ये सब मानवता है, मानवता मत छोड़ो। लेकिन बेवकूफियां मत करो, बड़े वाले फूफा आए नीचे बैठे हैं, 4 घंटे उनके साथ बैठे हो, नहीं तो नाराज हो जाए, बे नाराज भागोगे, जाओ अपने घर, यहाँ आके कौन बोला था बैठने के लिए। अपना काम करो चुपचाप। सब लोग अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, कोई कंस से अपने आप को जोड़ता है? तुम ताकतवर हो जाओगे, तुमको भी लोग भगवान मान लेंगे। कोई कहता है भैया हम सुदामा बनना चाहते हैं? सब कहानियां इसीलिए बनाई गई थी कि तुम इनसे सीख लो, तुम गाना बना देते हो उस पर, अरे द्वारपालो। तुम्हारा अजीब रहता है यार, तुम सीखने के बजाय तुम उस पर गाना बना देते हो कि कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, फिर तुम उस पर नाचते हो गांजा उंजा पी के कि भैया मजा बहुत आ रहा है। तुम्हारा यार अजीब रहता है दुनिया में। अरे भैया गलत कह रहे हैं, बताओ गजब आदमी हो यार तुम तो, ऐसे हंस रहे हो जैसे लग रहा है कि हम कोई चीज, तुम नहीं देखते इन चीजों को, तुम हंसी इसीलिए रहे हो कि हमको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई पड़ी। घटती तो ये सब तुम्हारे सामने भी है ना, पर तुमने गौर नहीं किया। तुम गाना सुन रहा है, तुम भी मगन हो गए कि बढ़िया गाना बज रहा है। हम गाड़ी चलाते हैं तो उल्टे सीधे गाने बजाते हैं, उपेंद्र राणा के गाने, हम ठाकुर सुपरस्टार, और उससे गाड़ी चलती 500 की स्पीड पे, क्योंकि गाने में तो कुछ होता नहीं लेकिन उसकी रिदम बड़ी प्यारी होती है। जब भी आप गाड़ी में चले और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो भजन कभी मत सुनना, ड्राइवर सो जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त ऐसा रिदम रखो कि ड्राइवर जगता रहे, वो बेचारा ड्राइवर कह तो पाता नहीं, अब गाड़ी चल रही है रामायण लगा दी और ड्राइवर बोर हो रहा है, लड़ गया डिवाइडर पे जाके। गाड़ी जब भी चले तो रिदमिक गाने बजाओ, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, ड्राइवर चलाता रहेगा। ऐसे पढ़ा करो यार जीवन में, ऐसे काम करो, हंस हंस के।